अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम सीखेंगे कि ब्लड सैंपल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हमारे पास सिरिंज होनी चाहिए, बॉटल्स होनी चाहिए और स्पिरिट स्वैब होना चाहिए। और चलिए अभी पेशेंट को हम देखते हैं। आपने पेशेंट का कोई भी लेफ्ट या राइट दोनों में से कोई ऐसा बाजू सेलेक्ट कर लेना है जिसमें वेन आपको बिल्कुल। सबसे पहले हम टॉर्निकेट बांधते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि वेन हमें इजीली नज़र आ जाए। हमें लेना है कॉटन स्वैब और सीपेट स्वैब से आपने उस पूरे एरिया को डिसइंफेक्ट करना जहां से आपने ब्लड सैंपल निकालना है और जिससे कि हम ब्लड सैंपल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले नीडल जब भी आपने खोलनी है उसके बाद इसको नीडल होल्डर को आपने टाइट करना है ताकि इसमें एयर ना आ जाए और पेशेंट को ब्रेक ना हो जाए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने वेन डिटेक्ट कर लें कि आपने किस वेन से ब्लड लेना है। ठीक है, अभी हमें दो तीन वेन नज़र आई हैं, तो जिससे आप पूरे इत्मीनान हों कि इससे आपको ब्लड इजीली मिल जाएगा, आपने उसको वेन को पंक्चर करना है। तो आपने नीडल इंसर्ट करनी है 10 to 15 degrees के ऊपर। तो चलिए जी हम नीडल और साथ आपने स्किन को थोड़ा सा टाइट कर लेना है। ग्रेट। और अभी प्लंजर को स्लोली पीछे खींच से इस तरह जी। आपने नीडल प्लंजर को बहुत तेज़ी से पीछे नहीं खींचना और बहुत देर पीछे खींच नहीं रखना है। इससे ये होगा कि आरबीसीज जो हैं वो टूट जाएंगे और ब्लड सैंपल के जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं आएगा। चलिए जी सैंपल काफ़ी हो गया, अभी हम इसको करते हैं एंड देन टोर्निकेट खोल दें। अभी जी हम जो है ब्लड सैंपल को इनके अंदर डाल देते हैं। ये हमने ब्लड सीपी और एक प्लेन सैंपल हमने कलेक्ट कर लिया और एक ब्लड सीपी और एक ब्लड प्लेन सैंपल हमने कलेक्ट कर लिया है। तो अभी हम इसको परफॉर्म करेंगे।